हेलो माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम सोल्स, जय भोलेनाथ गाइस। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टॉपिक है आज का कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको मिस याद ये सब करते हैं या नहीं। आप दोनों के बीच में अगर डिसेप्शन चल रहा है या फिर नो कांटेक्ट है, कुछ भी, ये पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं, ठीक है, कभी आप इन्हें याद आते हो या नहीं, यही देखेंगे। मेरा पैटर्न हमेशा सेम रहता है, ए से लेकर एम के बीच में। अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला लेटर है तो आप पाइल वन चूज करें, अगर एन से लेकर जेड के बीच में है तो आप पाइल टू चूज करें, ठीक है। और जो टाइम स्टैम्प्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर वन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को लाइक कर दें अगर देख रहे हैं अभी तक तो, ठीक है। ए से लेकर एम के बीच में आपके जो पार्टनर है उनका नाम का पहला लेटर है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे मैं साइड में रख लेती हूँ, जगह का प्रॉब्लम हमेशा ही होता है। ओके, चलिए देखते हैं। मैं थोड़ी साइड हो गई, मुझे शफल करने में प्रॉब्लम हो रहा था ट्राईपॉड को आगे रखकर, तो मैं थोड़ी सी साइड हो गई। ओके, ये पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं? यहाँ पर है कॉन्सियसनेस एंड यहाँ पर है कंट्रोल। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस स्ट्रॉन्गली। सबसे पहली बात यह है कि आपके पर्सन की थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड थी, ठीक है। मतलब ये कि आपके जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को चीजें क्लियर देखने की आदत नहीं थी, या फिर आपके साथ चीजें क्लियर करने की आदत नहीं थी। बट अभी क्या हो रहा है, इस पोर्शन को कॉन्सियसनेस आ गई है, अभी इस पोर्शन को समझ आ रहा है, अभी इस पोर्शन को याद आ रहे हो आप, ठीक है। ये जो इंसान है इसको पहले समझ नहीं थी, अब समझ आ गया है। एंड उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल, एंड ये मुझे क्लियरली बताता है कि वो अपने फीलिंग्स को आपके लिए कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज कंट्रोलिंग, के काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, इनके फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। एंड आई थिंक आपको शो नहीं करना चाहते, एंड बहुत ही ज्यादा ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनको समझ सब कुछ आ रहा है, ठीक है। कॉन्सियसनेस आ गई है बट कंट्रोल कर रहे हैं, तो आंसर यहाँ पर मिल चुका है ऑलरेडी। हाँ भाई, याद कुछ कुछ मुझे तो 20-30% कार्ड्स देखकर अभी तक लग रहा है कि हाँ याद आती है। न्यू विजन, ये देखिए, जब कॉन्सियसनेस आ गया उसके बाद न्यू विजन है, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। जो भी चीजें हुई है उसे खत्म करना चाहते हैं एंड आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इनकी रूट चक्रा भी ब्लॉक थी। ये जो आपके जो पार्टनर हैं, इंसान हैं, इनकी काफी ज्यादा चक्रास ब्लॉक थी। इनको ना खुद को भी नहीं पता है, ठीक है, कि मुझे मेरी चक्रास ब्लॉक है या फिर कुछ है। तो क्या हो रहा था, इसके वजह से आप दोनों का जो है इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। अभी इनकी चक्रास ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और ये हीलिंग की वजह से हुआ है, इन्होंने सेल्फ हील किया है या फिर आपने इनके लिए कुछ किया है, बट हील तो ये हो रहे हैं। एंड उसी के वजह से ही इतना सब कुछ क्लियर हो रहा है चीजें, बट फिर भी वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर है रिसेप्टिविटी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये रिसीव करने के लिए रेडी है जो भी आएगा इस रिश्ते में आपके और उनके लिए, ठीक है। क्योंकि न्यू विजन यहाँ पर आया है, तो इनको समझ तो बहुत कुछ आ गया है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और रिसीव करना चाहते हैं जो भी आप दोनों के रिश्ते में आगे जाकर होने वाला है उस चीज को, सक्सेस, ठीक है। ये इस पर्सन को सक्सेस चाहिए इस रिलेशनशिप में। ये इतना याद करते हैं कि लाइक इन्हें ऐसा लगने लगा है कि इस ये रिलेशनशिप मेरे लिए एक बैटल है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए एक लड़ाई है, मुझे इसमें सक्सेस पाना है, ठीक है। एंड आई थिंक इनको ऐसा लगता है कि आप मिल जाओगे तो उन्हें इन्हें लाइफ का एक बिग सक्सेस भी मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर माइंड, ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। माइंड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी ये पर्सन अपने माइंड में सोच सोच कर
एग्जॉस्ट हो चुके हैं सोच सोच कर, ये जो पर्सन है इनका दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है, कि मुझे बहुत सारी बातें सोचनी है। इसके साथ ये है द बर्डन, ठीक है, ये इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, इसी के वजह से इनका माइंड इतना खराब हो रहा है और ये बर्डन ले रहे हैं लाइफ में, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इनकी चक्रास ओपन होने के बाद भी ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा अपने दिमाग से सोचते हैं, बहुत ज्यादा अपने दिमाग से काम करते हैं और इसी वजह से इनको इतना बर्डन फील होता है। ये दिल से कम और दिमाग से ज्यादा चलते हैं ये इंसान, मुझे जितना यहाँ पर लग रहा है। इसे मैं रख लेती हूँ एंड इसके बाद टैरो से स्टार्ट करेंगे। वन सेकेंड, ये कार्ड्स हो गए। बॉटम ऑफ द डेक है वी आर द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस। ओके, साइन अभी तक जो आए हैं एरीज लियो सजिटेरियस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस। ओके, एंड ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि आपके साथ कहीं ना कहीं फैमिली बनाने के लिए शायद सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर आगे बढ़ने के लिए लाइफ में सोच रहे हैं, बट ये मिस याद तो कर रहे हैं बट अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। चलिए और देख लेते हैं। कार्ड से एक बार निकाल लूंगी फिर सजा दूंगी, ठीक है। मेरे पास ये दो कार्ड आए हैं, एक और कार्ड। ओके, ये वाला लेते हैं, अकेला गिरा है। यहाँ पर है हमारे पास द फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ओके, ये पर्सन इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो है ये कुछ बताने के मूड में नहीं है, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त बताने के मूड में नहीं है, ना ही जताने के मूड में है कि ये सब कुछ हो गया, ठीक है। मतलब इनके दिल में चाहे कुछ भी हो ये पर्सन को दिखाना नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चुप हैं इस वक्त, ठीक है। अगर आप दोनों में कुछ भी पास्ट में फाइट्स हुई थी, बातें हुई थी, ये पर्सन उस चीज़ को भी सोच रहे हैं, ये पर्सन उस चीज़ को भी पकड़ कर बैठे हैं, ठीक है। जो भी झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच में, ये उसे भूले नहीं, वो उसी के वजह से सब कुछ समझ आने के बाद भी, याद आने के बाद भी ये पर्सन चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। आई थिंक इस पर्सन को यू नो रिलीज करने की ज़रूरत है, इनके दिल में जो भी बातें हैं, गुस्सा है, इस पर्सन को रिलीज करने की ज़रूरत है। ये पर्सन आगे बढ़ना भी चाहते हैं बट इनके अंदर जो ग्रीड है, जो गुस्सा है इनका, आई थिंक ये उनको आगे बढ़ने ही नहीं देता है, ठीक है। उन्हीं का जो अंतर आत्मा आप बोल सकते हैं, इनका अंतर आत्मा ही इन्हें बढ़ने नहीं दे रहा आगे, तो आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर मिस के अलावा बहुत सारी चीजें चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान याद कर रहा है बट उसके अलावा बहुत सारी चीजें चल रही है। यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मिस करने के बाद भी ये पर्सन देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ताका झांकी कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर इतना ज्यादा ग्रीड है कि ये अपनी तरफ से तो कभी आकर बोलेंगे नहीं, ठीक है। बट ये जो पर्सन है, आपके जो इंसान है, ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। एंड इस पर्सन को क्लियरली बताना भी नहीं है चीजें, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑन ऑफ सिचुएशन करेंगे आगे जाकर आपके साथ, या फिर अभी कर रहे हैं कुछ तो, लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन इन आउट करते रहेंगे। इस पर्सन को यू नो आपको कमिटमेंट देने से पहले इन एंड आउट करने की आदत रहेगी, इन एंड आउट होने की आदत रहेगी, एंड इन्हें जो है
इन्हें जो है बहुत सारी बातें, ऐसी आदत भी है कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, तो ये जो पर्सन है इन एंड आउट करते रहेंगे आपके साथ ऐसे ही काफी टाइम तक। फिर है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ माइनर प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर वो इन एंड आउट करे आपके साथ, कुछ माइनर प्रॉब्लम हो सकती है। एंड और एक बात है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने से पहले वक्त लें, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, एक तो नो कॉन्टैक्ट हो आप दोनों, बट मैं यहाँ पर बताऊंगी वो पहले ऑन ऑफ करेंगे, उसके बाद ही एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, ठीक है। वो ऐसे ही आकर आपको डायरेक्टली एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन के बाद आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। यहाँ पर है फोर ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, सबकी सब एनर्जी है, ठीक है। एंड फोर ऑफ कप्स के साथ मैं बताऊंगी कि ये आपके आपको इतना ज़्यादा यू नो फाइनल कार्ड मैंने आखिरी कार्ड निकाला और आखिर कार्ड में ही आ गया दैट हाउ मच इज दिस पर्सन इज मिसिंग यू, हाउ मच दिस पर्सन इज मिसिंग यू, कितना मिस करते हैं आपको, कितना प्यार करते हैं आपको, लाइक आपकी तरफ से इन्हें जो लव अफेक्शन चाहिए, इन्हें चाहिए ही चाहिए, ये इस लव अफेक्शन को ऐसे ही बरकरार रखना चाहते हैं आपके साथ। ओके, एंड डोंट वरी, काफ़ी जल्दी ये थोड़ी सी ही सही ऑन ऑफ सिचुएशन ही सही आपके साथ ये करने तो वाले हैं, ठीक है। तो पसंद कर दे भी पसंद अगर आया मेरी वीडियो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बहुत जल्दी 10K हो जाएंगे हमारे। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग। एन से लेकर जेड के बीच में अगर आपके पार्टनर का पहला लेटर आता है नाम का, ये तो आप ही लोगों की रीडिंग है ना। और अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दें, अगर मुझे मेरे चैनल को देखना पसंद है, मेरी रीडिंग्स देखना पसंद है, तो आई होप आप इसे लाइक कर दें। ओके, तो चलिए भाई देखते हैं कि कितने याद आते हो आप इन्हें, या फिर आते भी हो या नहीं। सबसे पहला जो कार्ड है पेशेंट। ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ओके, ये पर्सन ये जो इंसान है ना अभी चुप है, ठीक है, अभी पेशेंटली कुछ चीजों का इंतजार कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहे मिस करे या ना करे, मैं एक बात बता देती हूँ, ये चाहे मिस करे या ना करे, आप जितना मिस करो बट चीजें वक्त लेगा। आई थिंक चीजें 8 to 9 months भी ले सकते हैं, ठीक है, सही होने के लिए। इस रिलेशनशिप में जो चाहिए वो पेशेंस की ज़रूरत है, यू नो बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा कामनेस चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। चलिए और देखते हैं। और क्या ये पर्सन कितना ज़्यादा मिस करते हैं आपको, अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को ना समझ आना चाहिए कि ये किस चीज के कैपेबल है, ठीक है। इनको समझ आना चाहिए कि आप उन्हें कितना याद करते हो, इनको इनको एक उड़ान भरनी चाहिए आप आपके लिए, ठीक है। ये देखते हैं आपकी मूवमेंट्स, ये इंसान देखते हैं, बट सिर्फ देखते ही हैं, आई थिंक ये एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। मुझे जितना यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ज्यादा देखते हैं और सीखते भी हैं आपसे कि हाँ भाई प्यार ऐसा होता है, आपके प्यार का देखकर ये सीखते हैं, बट जब अपनी बारी आती है तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है कुछ करते नहीं है, सब देखते हैं, इनको समझ आता है सब कुछ बट ये कुछ करते नहीं है। यहाँ पर हीलिंग। ओके, क्यों नहीं करते, बिकॉज आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। ये इतना ज्यादा आपको देखते हैं, इतना ज्यादा आपके प्यार को देखते हैं, फिर भी ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को हीलिंग की जरूरत है। इस हो सकता है इनकी जो है क्राउन चक्रा ब्लॉक हो, या फिर सोच नहीं रहे, या फिर
हमारा जो है थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, कुछ तो चक्रा ब्लॉक है इनका, जिसके वजह से इस पर्सन को हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, एक बार अगर हील हो गया तो आप दोनों का रीयूनियन कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर मुझे मिस के अलावा बहुत सारी चीजें नजर आ रही है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ये पर्सन हील्ड नहीं है, इसी वजह से सब कुछ समझकर भी चीजों को डिले कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, इसीलिए पेशेंट की जरूरत है। जब तक ये हील नहीं होंगे तब तक आई थिंक पेशेंट की जरूरत होगी। ओके, मैं और कुछ कार्ड निकालूंगी फिर आपको फाइनली बताऊंगी कि ये पर्सन मिस करते हैं या नहीं। अलोननेस, यस, यहाँ पर है वर्गो की एनर्जी। तो ये पर्सन मिस तो आप करते हैं, ठीक है, ये पर्सन मिस तो आपको बहुत ज्यादा करते हैं। एंड अभी क्या चल रहा है, अभी इनको अकेली जो राह पर है चलना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, मतलब अकेले पड़ गए हैं। यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि कोई और इंसान उनके लाइफ में है तो मैं बोलूंगी कि उस इंसान के साथ आई थिंक इनका बॉन्डिंग जो है उतना स्ट्रांग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि कोई नहीं है उनकी लाइफ में, मगर है भी, अगर कोई है भी आपको अगर लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई थर्ड पार्टी है भी तो डेफिनेटली वो मैरिड है। ठीक है, कोई मैरिड पर्सन है वो, तो अगर वो किसी के साथ भी है तो उनका बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग नहीं है जितना आपके साथ हो सकता है। आई थिंक ये थक चुके हैं, ये थक चुके हैं अकेली राह पर। ये एक क्लियर पिक्चर देखना चाहते हैं, इनको किसी के हाथ की ज़रूरत है, इनको हील होने के लिए किसी की ज़रूरत है। इंटीग्रेशन, ओके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और इसी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं यही बोलूँ कि इतना हील का कार्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकन के पीरियड में है ये पर्सन। ठीक है, आप दोनों हो ट्विन फ्लेम, ठीक है, हायर लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का, एंड दोनों अलग होने के बावजूद आप दोनों का जो है मिलन कोई नहीं रोक सकता, आप दोनों का एक होना कोई नहीं रोक सकता, डोंट वरी। बट बात इतनी सी है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो और इसी वजह से इतना ज्यादा दर्द से गुजर रहे हो। चलिए और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। यहाँ पर है सिज़ोफ्रेनिया। ओके, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है ये इंसान। ओके, इसे ऐसे रखते हैं। ये पर्सन इतना अभी मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी है, एंड ये थर्ड पार्टी और आपके बीच में कंफ्यूज चल रहे हैं कि मुझे किसे सिलेक्ट करना है, मुझे किसके साथ जाना है, मुझे किसके साथ रहना है। ठीक है, ये पर्सन वही सोच रहे हैं। इस पर्सन को जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, कंफ्यूज होने की बहुत आदत है, बहुत ही ज्यादा आदत है कंफ्यूज होने की। एंड ये लटक रहे हैं आप दोनों के बीच में कि एक्चुअली में होगा क्या, मुझे किसी चूज करना है, मुझे मेरी ट्विन को चूज करना है या फिर जो लाइफ में है उसी के साथ आगे बढ़ना है। बट लाइफ में जो है उसके साथ तो वो खुश है ही नहीं, मिस तो आपको ही कर रहे हैं। एंड चीज़ें वक्त लेगा क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, उन्हें हील होने की जरूरत है, उन्हें स्पिरिचुअल अवेकन होने की जरूरत है। यहाँ पर है सक्सेस। ओके, कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है सक्सेस की, आगे जाकर यही एनर्जी काम आएगी, यही होगा, यही नियति में लिखा है। चलिए इससे देख लेते हैं। ओके, मुझे मेरे तीन कार्ड्स मिल गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज एट ऑफ कप्स। ये पर्सन मूव ऑन करने वाले हैं, किसी से तो मूव ऑन करने वाले हैं, आपकी यादों से या फिर थर्ड पार्टी से किसी से मूव ऑन कर जाएंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके,
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस एंड द हाई प्रेस्टियस। मैं बोलूंगी यहाँ पर मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मून को अगर आप लोग पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं फॉर योर रिलेशनशिप्स। ओके कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो मैं बोल ही रही थी इस पर्सन को अभी मूव ऑन करना है इधर थर्ड पार्टी से इधर आपसे। क्लियरली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे क्योंकि इनकी जो आपकी तरफ एनर्जी है ये काफी हाई है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा यू नो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। इन्हें लौटना है, इन्हें क्विकली लौटना है। बहुत टाइम हो गया इस पर्सन को अभी बात करनी है आपसे। ठीक है, आई थिंक विद इन 8 वीक 8 हफ्ते 1.5 महीने के अंदर ये पर्सन हो सकता है आपसे आकर बात करें। ठीक है, ये ना आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे जितना लग रहा है कि ये इंसान आपके ऊपर कंट्रोलिंग होना चाहते हैं एंड ये इंसान जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा छिपा रहे हैं। ये चाहे अपने फीलिंग्स हो कुछ भी हो ये छिपा रहे हैं, आपके सामने क्लियर नहीं रख रहे हैं। इनको खुद को क्लियर पिक्चर की ज़रूरत है बट ये अपनी जो फीलिंग्स है ये आपके सामने क्लियर नहीं कर रहे हैं और मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होते जा रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, इनको सब पता है कि इस रिश्ते में करना क्या है क्या नहीं करना है, आपको क्या फील होता है, बट फिर भी ये पर्सन कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। इनको अपनी मनमानी करनी है, अपनी बातें करनी है, अपनी चलानी है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इनको लौट कर भी आनी है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इससे। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके आई थिंक ये पर्सन भी उतने ही परेशान हैं जितना परेशान आप हो और थर्ड पार्टी के वजह से ही उतना ज़्यादा परेशान है। ठीक है, ये हील हो रहे हैं इस वक्त, शायद आपको क्लियर नहीं दिखा रहे हैं कुछ भी, बट मैं बोलूँगी कि इनको भी सेम तकलीफ से गुजरनी पड़ रही है जिससे आप गुजर रहे हो। देन है 7 ऑफ कप्स। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक नहीं काफ़ी सारी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे ऑप्शंस ये इंसान इस वक्त जो है ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखिए मैं आपको कुछ और भी बताऊंगी जिससे आप सुनकर शॉक हो जाएंगे, आप थोड़ा बस रुक जाइए। ओके एंड इस पर्सन को खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसके साथ रहूं। ठीक है, किसके साथ रहूं। यहाँ पर हर्मिट, दो दो बार हर्मिट का कार्ड आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। आराम से 7-8 महीने वेट करो। आई थिंक उससे पहले चीजें मुझे इतना सही होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, ये पर्सन के लाइफ में एक नहीं बहुत सारी थर्ड पार्टी है एंड ये कोई भी थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। जब रात आती है तो आपकी याद आती है, इतने सारे थर्ड पार्टी है इसके वजह से अपना जो फीलिंग्स है क्लियरली नहीं रखते हैं। आपको भूलने के लिए बहुत सारे लोगों के पास जा रहे हैं, बहुत सारे ट्राइज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो कनेक्शन है वो चाहे ना चाहे, वो मिस करे ना करे, डिवाइनली गाइडेड है। आगे जाकर आप दोनों का रीयूनियन है। ये कंफ्यूज है इस वक्त मुझे करना क्या है इस रिलेशनशिप में। ओके, और बात आती है कि आपको मिस करते हैं। मैं 40% बोलूंगी कि मिस करते हैं, मैं स्ट्रांगली नहीं बोलूंगी कि हाँ भाई 100% तक मिस करते हैं, 30 से 40% मिस करते हैं क्योंकि उनके खुद के लाइफ में ही बहुत ज्यादा मैस चल रहा है। ठीक है, और ये उस मैस को जब तक क्लियर नहीं करेंगे, जब तक ये चीजें सही नहीं समझेंगे सही तरीके से, ये जो पर्सन है आई थिंक मुझे नहीं लगता कि क्लियरली आपको बताएंगे यहाँ पर आपकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स, चाहे जितने अकेले रहें चाहे जितना दर्द हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर रीडिंग पसंद आई लाइक करें सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।